जी तो कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे पास जो है ये मार्गल्ला 91 मॉडल है और इसमें गाड़ी जो है ना मिस फायर कर रही थी, मिसिंग कर रही थी। जहाँ पे हम एक्सेलेटर देते थे गाड़ी बैठ जाती थी और सही चलती नहीं थी। तो इसमें जो है ना इस तरह की सबसे पहली जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये है कि जी ये आपके लीड्स हैं जो कि सही जो है ना काम नहीं कर रही थी। इसकी अपनी लीड्स नहीं थी, ये किसी और गाड़ी के लीड से इसमें रुमी हुई थी और यूज़ में थी और ये कि इस मिस कर रही थी, ये भी करंट जो है ना आपको खा रही थी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो ये है कि इसकी ये इग्निशन कॉइल होती है। इग्निशन कॉइल आप अंदर से देखेंगे तो इसमें काफ़ी कार्बन आए हुए हैं ना। ये तो अभी मैंने साफ़ कर दिए हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कार्बन से भरा हुआ था। इसकी वजह से जो है ना आधा स्पार्क तो इसके अंदर ही रह जाता है, इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो ही खा जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, आप खींच के लेके जाएंगे तो गाड़ी मिस नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे ही गियर चेंज करके गाड़ी उठाएंगे तो गाड़ी मिस करती है और गाड़ी एकदम बैठ जाती है। और ये मेन मसला जो है ना इसका, ये लीड्स का और इग्निशन कॉइल्स का था। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें ना तो नेक्स्ट इसकी आ जाती है ये CDI आ जाती है। CDI इसके जो है ना इग्निशन मेन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, CDI डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसमें पॉइंट तो होता नहीं है। तो इसके अंदर CDI होता है और एक रूटर होता है और साथ में इसके ऊपर कैप होता है। तो रूटर मेन चीज़ जो इसकी होती है वो रूटर होता है। रूटर को भी चेक कर लिया करें तो आप ये सारी चीज़ों से जो है ना मिसाइल से जो है ना हल हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि 10-10 चीज़ें चेंज करें। तो ऊपर ऊपर से आप इन चीज़ों को चेक करके भी जो है ना अपने मिसाइल को हल कर सकते हैं। पावर टिप्स एंड सॉल्यूशंस में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।